हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड हमारा क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, आज हम रिलेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर हमारा किसको कंसिस्ट करता है? टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर दो एलिमेंट्स होंगे इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, और एक फिक्स ऑर्डर में होंगे। कैसे? जैसे हमारे पास ये है 2, 3, ये हमारे पास क्या है कि ये ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर्ड पेयर। और इसके अंदर कैसे होंगे ये फिक्स में? जैसे इफ x एंड y आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है x एंड y, देन बाई ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो पेयर जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में बोलेंगे। कैसे? आर मीन्स ए पेयर, एक पेयर है x y इन दैट ऑर्डर। आपको एक पेयर दिया हुआ है, हमें एक सेट था x और y, उन्हीं सेट्स में से हमने एक पेयर निकाल रखा है और पेयर का नाम क्या है? x y, जो किस ऑर्डर में होगा कि जो हमारे पास x फर्स्ट एलिमेंट है वो x से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो y से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हमारे पास x एक आपको सेट दे रखा है 1, 2, 3 और y आपको कोई सेट दे रखा है 2, 3, 4। अब हमने एलिमेंट क्या लिखा? 1, 2। इट मीन्स हमारे पास क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा किससे बिलोंग करता है? x से। इसका मीनिंग क्या करेंगे हम कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है? x से। एंड जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 2 है, वो किससे बिलोंग करता है? y से। ठीक है, इस तरह लिखते हैं बेटा हम ऑर्डर्ड पेयर, और इसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर्ड पेयर, जो एक फिक्स ऑर्डर में है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट x सेट से होगा एंड सेकंड एलिमेंट y सेट से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब फिर हमारे पास आता है कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको हम कब इक्वल बता सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं? किस कंडीशन पे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स, हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें कम से कम दो सेट्स की या दो हमारे पास एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारे पास है टू ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या क्या है? एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर इक्वल। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल बोलेंगे कब? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है कि एक्स वन है वो इक्वल होगा एक्स टू के, और x2 किसके इक्वल होगा? x1 के। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। इसका फर्स्ट जो पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है पेयर का, वो फर्स्ट के इक्वल होगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। इसको हम कैसे बोल देंगे? x1 y1 इक्वल है x2 y2 कब? जब x1 इक्वल है x2 के एंड y1 इक्वल टू y2। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो सेटिस्फाई है। इसके लिए आपसे कई बार एग्जांपल में एक्सरसाइज जब आप करोगे तो एक्सरसाइज में आपके पास एग्जांपल्स भी आएंगे। ठीक है, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम इक्वलिटी शो करते हैं। ओके, मान लिया हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, कोई भी दो सेट हैं, जब हम उनके अंदर इक्वलिटी दिखा रहे हैं। कैसे? x हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट नहीं है, या फिर ऑर्डर्ड पेयर पे बता रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर को ही लेके चल पड़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में क्या दे रखा है आपको? एक दे रखा है 3x+2 एंड दूसरा दे रखा है आपको 4। इक्वल दे रखे हैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर 5 and 3y-2, ये दे रखा है आपको। तो हम इसको कब इक्वलिटी शो करेंगे कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा। 3x+2 = 5, 3x = 5-2, 3x = 5-2 क्या आएगा? 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1।
इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह जो हमारे पास सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होगा, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6/3 कैंसिल होके y की वैल्यू क्या आई 2। इस तरह से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो दोनों इक्वल हैं तब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये था हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कोई भी दो सेट दिए हुए हैं उन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, लेट x एंड y बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट x और y, हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी मीन्स ऐसे सेट जो खाली नहीं है, एम्प्टी होता है खाली सेट, नॉन एम्प्टी क्या होता है जो ऐसा सेट जो खाली नहीं है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और उस सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो किस कंडीशन में दिए हुए हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई, कि फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स से बिलोंग करता है एंड सेकेंड एलिमेंट वाई से बिलोंग करता है, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स एक्स एंड वाई। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देंगे, किसकी, दोनों सेट्स की एक्स एंड वाई की, एंड इज डिनोटेड बाई, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स क्रॉस वाई, कैसे डिनोट करेंगे x क्रॉस y। देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, हमारे पास कोई भी एक सेट है x, और x हमारे पास क्या दे रखा है, मान लिया 1, 2, 3। y हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है 4, 5। जब हम x क्रॉस y निकालेंगे, x क्रॉस y कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट है वो x से बिलोंग करेगा, कि हमें कोई भी दो एलिमेंट उठाने हैं और उन दोनों में से फर्स्ट एलिमेंट x से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट है वो y से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं कैसे आएंगे, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इधर से क्या आएगा 4, फिर सबसे पहले हमारे पास अगर स्टार्टिंग में x है तो हम किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, x के, अगर स्टार्टिंग में y होगा तो हम एलिमेंट्स y के लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, पहले हम x का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसके y के सभी एलिमेंट्स के साथ करेंगे, फिर x का सेकंड एलिमेंट होगा और y के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके थर्ड की इन थर्ड के साथ, कैसे, फर्स्ट हमारा क्या आया 1, 4, फिर क्या आ जाएगा 1, 5, नेक्स्ट अब 1 से हो चुकी है हमारी दोनों की, उसके बाद क्या आता है 2, 2, 4, नेक्स्ट उससे क्या आएगा 2, 5, अब 1 की भी हो गई 2 की भी हो गई, फिर हम क्या उठाएंगे 3, 3, 4 एंड 3, 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी x क्रॉस y। इसी तरह अगर आपको बोल दिया कि y क्रॉस x निकालो, y क्रॉस x, जब आपको y क्रॉस x बोल रखा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका आएगा y का, फर्स्ट एलिमेंट y का क्या है 4, अब इस 4 की इन सभी के साथ करेंगे 4, 1, 4, 2, 4, 3, उसके बाद 4 की तीनों के साथ हो चुकी है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हम 5 को उठाएंगे, 5 की इन तीनों के साथ करेंगे 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3, ये हमारे पास क्या आ गई y क्रॉस x, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, थ्री सेट्स की कोई भी तीन सेट दे रखे हैं उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिससे हमने दो की है इसी तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्री की करेंगे, कि फर्स्ट एलिमेंट है वो a से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट है वो b से बिलोंग करेगा एंड थर्ड एलिमेंट है वो c से बिलोंग करेगा, ऐसे करेंगे। उसे नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर्स होंगे ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इफ a एंड b टू फाइनाइट सेट। सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे वो दोनों फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कौन से सेट्स होते हैं, वो सेट्स जिनके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं,
ऐसे सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ काउंटिंग में आते हैं, जो वन एलिमेंट्स है या टू है या थ्री है, ठीक है। और इनफाइनाइट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं जिस सेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट दिए हुए हैं जो क्या है, फाइनाइट सेट है। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई बी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। नंबर ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। नंबर ऑफ वाई हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2। अब जब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एक्स क्रॉस वाई कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वाई, एक्स के अंदर एलिमेंट 3, वाई के अंदर एलिमेंट 2, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास भी 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये था आपका सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और जो भी मेन पॉइंट्स आएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, थैंक यू।